फिरोजपुर रोड पर वाकई अतारा बहाली माजूरा जिस्मानी तौर पर नकायस में मुब्तला अफराद के लिए महज एक आर्थोपेडिक अस्पताल था। फिर एक इंसान दोस्त खातून मोहतरमा शिराजी ने 1957 में इसे खसूसी बच्चों के स्कूल में बदल कर इसका नाम पाकिस्तान सोसाइटी फॉर दी रिहैबिलिटेशन यानी अदारा बहाली माजूरा रख दिया। अदारे की चेयरपर्सन हालदा हलीम हाजमी और हेड मिस्ट्रेस नसरीन ने बताया कि अदारा बहाली माजूरा में 100 से ज्यादा जिस्मानी तौर पर मौजूद तलबा और तालिबा जेरे तालीम। उन्होंने बताया कि मुहैया हजरात के तआवुन से बच्चों को इल्म के साथ साथ हुनर भी सिखाया जाता है। यहाँ पर जो बच्चे हैं वो माजूर हैं मगर उनकी जो जहनी सलाहियत है ना वो बहुत ज़्यादा आम नॉर्मल बच्चों से भी बहुत अच्छी है और उनमें असाज़ा का भी सारा किरदार है। बच्चे दूसरे स्कूलों में भी एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते हैं और इसके साथ साथ ये बच्चे जो हैं ये नॉर्मल लाहौर बोर्ड के साथ इम्तहान देते हैं। खसूसी बच्चों को मुफीद शहरी बनाने के लिए तालीम के साथ साथ हैंडीक्राफ्ट की तरबियत भी दी जाती है और कंप्यूटर लैब भी पूरी तरह मुतहदिक है। खसूसी बच्चों को मौसीकी की तरबियत भी दी जाती है। अदारे में बच्चों को व्हील चेयर्स भी दस्तयाब हैं। टीचर समरा शौकत ने बताया कि यहाँ पढ़ने वाले बच्चे एहसास कमतरी से कोसों दूर हैं। बच्चों को नाश्ता और दोपहर का खाना बिला मुआवजा फराहम किया जाता है। बच्चों को हम पिक और ड्रॉप देते हैं और लंच दोपहर को और मिल्क सुबह जब आते हैं तो नाश्ता देते हैं और उसके अलावा उनको यूनिफॉर्म और हमारी चार कैटेगरीज हैं ए बी सी डी ई पाँच का हम बहुत ख्याल रखते हैं। इनको घर से लाते हैं और घर छोड़ के जाते हैं, घर छोड़ने भी जाते हैं और ये सब कुछ हम मुफ्त करते हैं। उनको कोई चार्ज नहीं हम लेवी करते कि भाई उनको कुछ पैसे देने पड़े या ना देने पड़े। माजूर बच्चे भी किसी के लखते जिगर हैं, खेल कूद पर इनका भी हक है। ये अपनी किसी जिस्मानी कमजोरी को आगे बढ़ने की राह में रुकावट बनने नहीं देते, इसीलिए इन्होंने हारी हुई बाहों को पतवार बना लिया है। कैमरामैन ख्वाजा फहीम के हमरा अख्तर रियाज सिटी 42।